रेडी दोस्तों, साइट पे जो भी मटेरियल आता है उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत है वर्क ऑर्डर का या परचेज ऑर्डर का या BOQ का, जिससे आपको ये मालूम पड़ सके कि जो मटेरियल आ रहा है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तो उसमें आपको क्या चेक करना है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, इसका ग्रेड। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सीवर लाइन के लिए HDPE मटेरियल आया है, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल है। और इस पे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा है वो हमने BOQ से टैली किया, वो मैच हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो मेक है ये प्रिंस का है, और ये जो टाइप है वो फोम फिट है। इसका इन टू इन डाया है 160 mm और आउट टू आउट डाया है 170 mm। इसका मतलब कि इसका थिकनेस हो गया 5 mm। अभी इसका जो क्लास है वो है SN8। ये SN8 क्या होता है, SN का फुल फॉर्म है स्टिफनेस, और 8 का मतलब हो गया 8 kN/m², मतलब कि ये पाइप को मिट्टी में इंस्टॉल कर देने के बाद इसके बाद जो बैक फिलिंग होएगा तो पर मीटर स्क्वायर पे 8 kN का लोड ये सस्टेन कर सकता है। दूसरा इसके बाद लिखा है SDR 34। ये क्या होता है, SDR का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो, एज पर IS कोड 16098 आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डायमेंशन रेशियो का फुल फॉर्म है आउटर डायामीटर डिवाइडेड बाय इसका थिकनेस, मतलब कि 170 mm डिवाइडेड बाय जब 5 mm करोगे तो आपको वैल्यू आना चाहिए 34। और ये 34 ये जो वैल्यू है ये जितना कम रहेगा इस मटेरियल का ड्यूरेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा। ये SN8 जो मैंने बताया, ये SN8 आपको कब काम आता है, इस पर जो लेटरल फोर्सेस पड़ते हैं, जो जिसमें डिफ्लेक्शन जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो उसके लिए ये जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मायने रखता है। दूसरा ये है UPVC मटेरियल, और ये जो आप देख सकते हो IS कोड के नीचे लिखा हुआ है CML नंबर, ये CML नंबर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मार्क्ड एंड लाइसेंस नंबर, ये कंपनी का होता है। प्लस ये जो देख रहे हो ये इस मटेरियल का बैच नंबर है, ये दोनों ही नंबर आपको MTC में मिल जाएगा। थैंक यू।